हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं खालिद महमूद और आज के इस लेक्चर में हम सिलेबस वाइज आगे की तरफ डिस्कस करेंगे। तो मैं ओपन कर लेता हूं अपना ऑटोकैड सॉफ्टवेयर। इस सेशन में हम क्या क्या देखने वाले हैं, पहले मैं जरा देख लूं कि हमने इस ड्रॉ पैनल को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। मॉडिफाई पैनल में हमने मूव, रोटेट, ट्रिम से याद आया कि किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि सर मुझे ट्रिम समझ में नहीं आया प्रॉपर। एक मिनट, मैं जरा उनका कमेंट देख लूं एक बार। क्या नाम है इनका? सर ट्रिम सिलेक्शन मेथड से समझ में नहीं आया इनको। ओके, स्काई रिमिक्स, ठीक है। ट्रिम ट्रबल इंटर डबल इंटर प्रॉपर वर्क नहीं हो रहा है, कभी एक ऑब्जेक्ट ट्रिम होता है और कभी नहीं होता है। ओके, मैं इस वीडियो में मैं इसे कवर कर लूंगा, बट मैं इससे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि आगे की तरफ देखते हैं। पहले मैंने इरेज कमांड देख लिया था, कॉपी, मिरर, फिलेट वगैरह भी हमने देखा, फिलेट चैम्फर भी देखा हमने, एक्सप्लोड भी देखा, और मैंने आपको जो एक्सरसाइज दिया था आप लोगों ने इसे प्रैक्टिस भी किया, आपने मुझे पर्सनली मैसेज करके दिखाया, बट आप ग्रुप में दिखाओ जिससे और भी लोग इंस्पायर हो और वो भी कर सके, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इन सभी चीजों में लेक्चर हमने कवर किए हैं, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो पहले इस लेक्चर को कवर कर लो। जो आपको मिलेगा, आप आ जाओ यूट्यूब के ऊपर और यहाँ पे टाइप करो KHALID खालिद, MHMUD खालिद महमूद, एंटर करना आप तो हमारा चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा चैनल है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है। आप प्रेस कीजिए, इस पे क्लिक करना है और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारी चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं, बट अगर आप वीडियोज पे आएंगे तो वीडियोज वाले सेक्शन में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सारे क्लासेस अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और आज का जो लेक्चर है वो है हमारा 8। चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं, अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ट्रिम कमांड को देखते हैं, जैसे कि उनका कहना है कि सर डबल इंटर करने पे ट्रिम नहीं हो रहा है, तो हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक लाइन क्रिएट करता हूं, जैसे कि मैंने एक 200 की लाइन क्रिएट कर ली है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड है CP या फिर CO, प्रेस कीजिए एंटर, सिलेक्ट कीजिए ऑब्जेक्ट को, प्रेस कीजिए एंटर और क्लिक कीजिए, मतलब डाउन साइड की तरफ। मैं एक अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं, ठीक है, ये हमने ले लिया। एक लाइन मैंने इस तरीके से क्रिएट किया है और दूसरी लाइन में अगेन कुछ इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूं। ओके, CP कॉपी सिलेक्ट किया हमने, सॉरी सी और पी के साथ कॉपी किया हमने, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, क्लिक कीजिए आप कुछ इस तरीके से और इसे कॉपी कर लीजिए। ओके, कॉपी कर लिया हमने। अभी बात आती है ट्रिम की, तो ट्रिम करने के लिए हमें क्या करना है, शॉर्टकट कमांड आप यूज करेंगे तो TR, सिंगल इंटर की पहले मैं बात करूं, सिंगल इंटर किया है। अभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मुझे ट्रिम करना होता है तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में वो चीजें होती तो ट्रिम होती है। जैसे कि अगर मुझे इस लाइन को ट्रिम करना है तो हमें इस दो लाइन को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अगेन करना होगा मुझे प्रेस इंटर। अब जब इस तरीके से प्रेस इंटर करेंगे तो ये अंदर की जो भी लाइन है, जो भी आपकी ज्योमेट्री होगी, प्रॉपर तरीके से ट्रिम हो जाएगी। दूसरा, अगर मैं सिलेक्शन कहूं तो मैं इस तरीके से अगर सिलेक्ट करता हूं तो ये ट्रिम हो जाएगी। ओके, दूसरा मेथड देख लीजिए, TR डबल इंटर। अगर आप डबल इंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, यहां पर देखिए क्रॉसिंग है, क्रॉस पे क्लिक कीजिए और कुछ यू देखिए, ये ट्रिम हो रहा है, अगेन यू, ठीक है। तो इस तरीके से जहां भी आपको ये टच करेगा तो उस तरीके से इसे ट्रिम कर लेगा। देखिए, आप अगर नीचे की पार्ट को ट्रिम करना है तो यू ट्रिम कर लेगा। ये सिलेक्शन मेथड है, ठीक है ना, आप इस तरीके से ट्रिम कर सकते हैं। या भी मैं अगर बात करूं Ctrl Z करके वापस की तरफ आ जाता हूं, TR इंटर, सिंगल इंटर किया हमने और मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया, प्रेस किया मैंने एंटर। अभी देखिए, सिलेक्शन मेथड से ही अगर आपको ऊपर के सारे ऑब्जेक्ट को, सारे ज्योमेट्रीज को डिलीट करनी है तो आप इस तरीके से सिलेक्शन मेथड ले लो आप। मतलब क्या करना है, राइट टू लेफ्ट लेना है, राइट टू लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट टू राइट लोगे तो भी ट्रिम होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है
लेकिन राइट टू लेफ्ट या फिर लेफ्ट टू राइट आप लेंगे तो ट्रिम हो जाएगा। देखिए जब आपने ऊपर की तरफ के ज्योमेट्रीज को ट्रिम कर लिया है तो ये नीचे की ज्योमेट्री ट्रिम नहीं हो रही है, क्योंकि ये हमने दे रखा था इसके लिए। अगेन मैं देखता हूँ टी आर डबल इंटर ट्रिम किया हमने, और देखिए ये देखिए आपने ट्रिम कर लिया इस तरीके, सिलेक्शन मेथड से आप इसे ट्रिम कर लेंगे। देखिए सारी चीजें ट्रिम हो गई। तो ये है हमारा ट्रिम का मेथड, आप इसे देख लें। मुझे उम्मीद है कि आपका ये जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है ना, तो आप जिस प्रोजेक्ट पे कर रहे हो उस प्रोजेक्ट का स्क्रीनशॉट या फिर फोटोज क्लिक करके ग्रुप में सबमिट करो, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आप कुछ कह नहीं पा रहे हो या फिर हम समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आगे की तरफ, हमने लास्ट वीडियोस में स्केल तक देखा था, अभी मैं देखने वाला हूं एरे कमांड। ठीक ना, रेक्टेंगुलर एरे की बात करेंगे हम। तो मैं अभी जब अपना नोट्स ओपन कर लेता हूं जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था, ये है हमारा, मैं जरा इसे जूम कर लूं। ठीक है, यहां तक हमने देखा था, ये रहा। ठीक है, अब मैं जरा सिलेबस पे आ जाता हूं। क्या देखना है हमें, एरे कमांड देखना है। ठीक है, ये तीन एरे हैं हमारे, मैं इसे कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे हम आ जाते हैं कंट्रोल वी। अभी अगर बात करें एरे, एरे में अगर रिक्टेंगुलर एरे की आप बात करते हो, ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें शॉर्टकट जानना होगा कि शॉर्टकट कमांड होता क्या है। एस एच ओ आर टी शॉर्टकट में यहाँ पे डाल देता हूँ, शॉर्टकट कीज। शॉर्टकट की होता है ए आर, शॉर्टकट की है, देन प्रेस करना है ई एन टी ई आर इंटर। ओके, ये है हमारा शॉर्टकट कीज ए आर इंटर। उसके बाद क्या करना है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है हमें, यहां पे लिख लेता हूं मैं एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट। मैं यहाँ पे लिखकर ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा, आपको मैंने जो नोट्स दिया है उस नोट्स में ये सारी चीजें मेंशन है, आप उसे डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, मैं डायरेक्ट चलता हूँ रेक्टेंगुलर एरे के ऊपर। ये है मेरा ऑटो कैट सॉफ्टवेयर, मैं बता दूं आपको कि मैं यूज कर रहा हूँ 2017 का वर्जन। ओके, अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, आर ई सी शॉर्टकट कमांड है। मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया डायमेंशन 40x40 की। ओके, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गया है। अभी आपको क्या करना है, एरे कमांड लेना है, शॉर्टकट की क्या है ए आर फॉर एरे कमांड, प्रेस कीजिए इंटर। अभी यहां पे अगर आप देखेंगे अपने नीचे की साइड जो आपका कमांड बार है वहां पे बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, प्रेस कीजिए इंटर। अभी यहां पे तीन चीजें निकल कर आ रही है, रेक्टेंगुलर एरे देख रहे हैं आप, पाथ एरे और पोलर एरे। अभी हम बात करेंगे रेक्टेंगुलर एरे की, रेक्टेंगुलर एरे पे मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके से हमें शो कर रहा है ये। ठीक है, अभी मैं इसे क्लोज कर देता हूं और मैं आपको जरा दिखा दूं कि इसके यूजेस क्या हैं और ये किस तरीके से वर्क करता है, एक्चुअल में ये जो वर्क करता है वो कैसे करता है। ठीक है, तो मैं इसे जरा सा स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ठीक है, ये देखिए आप, अभी देखिए जब आपने लिया तो इस तरीके से कुछ कॉलम क्रिएट हो रहे हैं, चार कॉलम्स हैं। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे रोज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ये जो सीधा है वो कॉलम है, यानी कॉलम की जो संख्या है यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 है, और रोज की संख्या 3 है। ओके, तो ये इस तरीके से, और जो भी इसका मैं यहाँ पे एक चीज एक बार और दिखा दूं, सिलेक्ट किया मैंने, यहां से ले लेते हैं फिर से यू। तो देखिए अगर आपका बीच का जो मेजरमेंट होगा वो इस पॉइंट से, इस सेंटर पॉइंट से, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस होगा जो कि वहां पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, अगर अगर आप रोज की देखें, अगर हाइट कॉलम की बात करें तो ये होगा हमारा, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट होगा, इस पॉइंट से लेकर ये दूसरे पॉइंट तक, उसी तरीके से यहां से यहां। ठीक है, चलिए मैं देखता हूं इसे, देखिए मैंने इसे क्लिक कर रखा, अगर आप यहां से स्कैप करें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे क्लिक किया आपने तो एरे एक्टिवेट हो गया है। इसमें बात किया जाए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कौन सा एरे यूज कर रहे हैं हम, रेक्टेंगुलर एरे यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको यहां से दिखा दूं,
अगर एरे की बात की जाए तो हम रेक्टेंगुलर एरे यूज कर रहे हैं, ये है कॉलम्स, यहाँ पे देखिए आप कॉलम्स हैं ये। अगर कॉलम की बात की जाए यानी कि ये रहा हमारा कॉलम, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर नंबर्स ऑफ कॉलम्स को अगर ऐड करते हैं, यहाँ पे 4 की जगह पे 5 कर दिया या फिर 6 कर दिया आपने, तो यहाँ पे आप कॉलम्स ऐड होता दिखेगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं रोज की, तो यहाँ पे देख रहे हैं रो नंबर ऑफ 3 है, यानी कि 1, 2 और 3। अगर यहाँ पे आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा ये रोज यू कुछ अपर साइड में, ठीक है, इस तरीके से ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड वो अकॉर्डिंग अपने हिसाब से ऐड कर लेगा, ठीक है। लेवल जो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, ये बिटवीन जो देख रहे हैं आप कॉलम्स की बिटवीन देख रहे हैं आप, ये बिटवीन में क्या होता है कि इस ओरिजिन पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे हम मेंशन करते हैं। यहाँ पे अगर आपने 60 की जगह पे 100 किया तो ये चीजें आपको गैप जो है ज्यादा हो जाएगी। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं टोटल, टोटल की अगर मैं बात करूं तो ये आप 180 देख रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट से यहां से लेकर इसकी डिस्टेंस जो है ये है हमारी 180। अगर आप ऐड करें तो 60, 60, 120 देन 60, 180, ओके। इसी तरीके से ये भी है, यानी कि इस पॉइंट से डिस्टेंस बिटवीन में आएगा हमारा 60 और टोटल की बात की जाए तो ये रहा हमारा, ओके। चलिए हम देखते हैं इसके ऊपर, जैसे कि आप लाइव देख रहे हो आप, यहाँ पे मैं अगर कॉलम्स की जगह पे ऐड करता हूं, यानी कि हमारा 1, 2, 3, 4 कॉलम हमें अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वर्किंग स्पेस पे दिख रहे हैं, 4 की जगह पे मैं 5 करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे आ गया। देखिए अभी ऐड हो गया 1, 2, 3, 4, 5, नंबर्स ऑफ कॉलम कितने होंगे 5। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं रोज की, तो मैं यहाँ पे भी अगर मैंने 4 की जगह पे 5 किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि नंबर्स ऑफ रोज ये हो गए 5। अगर मुझे कम करना है, 3 रखना है, तो मैं 3 कर लेता हूं, ओके। तो ये चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बिटवीन की, बिटवीन यहाँ पे देख रहे हैं 60 है, मैंने 60 की जगह पे 80 प्रेस किया। ध्यान रखना है कि मैं कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपने आप ये मेजरमेंट करके 320 लेकर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ एक बार मेजरमेंट की प्रॉपर है या नहीं। तो यहां से मैंने लिया लीनियर कमांड और बिल्कुल इस पॉइंट से आप इस पॉइंट पे आ जाइए और यू डाउन साइड। अभी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो इसके लिए आप डायमेंशन स्टाइल चेंज कीजिए, डी फॉर डायमेंशन स्टाइल, और आपको मॉडिफाई कर लेना है। मैं इन सभी चीजों को आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप कर लीजिए 20 और फिर यहां से ओके कर लीजिए, क्लोज। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, देखिए 80 हो गई। इसी तरीके से DOC यहां से भी आप चेक कर लीजिए, अगेन फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, देखिए दिख रहा है आपको। तो ये चीजें हैं जो कि बीच का मेजरमेंट दिखाने के लिए यूज करते हैं हम। अगर मैं इसकी बात करूं ये इस पॉइंट से इन दोनों के बीच की, तो यहां पे आप देखेंगे ये हमारा 60 है, ठीक है। तो ये भी चीजें 60 ही आएंगी, आप मेजरमेंट से चेक कर लीजिए एक बार। ये रहा हमारा लीनियर कमांड और ये फर्स्ट पॉइंट टू ये हमारा सेकेंड पॉइंट। देखिए आप यहाँ पे कुछ मेजरमेंट में प्रॉब्लम दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे इसके ओरिजिन पॉइंट हमने नहीं लिया है, ठीक है। अभी क्लियर है, देखिए 60 दिख रही है हमें। तो ये चीजें हैं, अभी मैं फिर से एडिट मोड पे करता हूँ क्लिक। यहाँ पे आने के बाद जिसे मैं इसे एक बार क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक अगेन दूसरा रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ, रेक्टेंगल हमने लिया, ठीक है, डी फॉर डायमेंशन 30 × 30, ठीक है, हमने क्लिक कर लिया है। यहाँ पे लेने के बाद मैं एरे कमांड ले रहा हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, ठीक है। अब ये देखिए जब आप इस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं तो आपने इसे समझ लिया, ये क्लियर हो गया आपका, इसे भी क्लियर हो गया। अभी आता है लेबल, लेबल 1 की जगह पे मैंने लेबल 3 कर लिया, ठीक है, लेवल 3। और यहाँ पे देखिए लेवल 3 का जो बिटवीन डिस्टेंस है इसे मैंने किया फॉर एग्जाम्पल 20 एंटर। अभी आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, देखने को मिल रहा है नहीं ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां से बाहर आना है, क्लोज एरे कीजिए, और जब आप इसे ऑर्बिट करते हैं, यहाँ देखिए ऑर्बिट कमांड है, या फिर इसका शॉर्टकट की होता है ORB एंटर, ऑर्बिट कमांड लिया आपने, और इससे आप क्लिक करके जब यू करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको लेबल्स दिखेंगे, दिख रहा है लेबल्स 1, 2, 3 है ना।
तो ये चीज है, इसके लिए हम उसकी यूज करते हैं। ओके क्लियर है। अब मैं आ जाता हूं अगेन टॉप के ऊपर और मैं ये सभी चीजों को सिलेक्ट करके इरेज कर देता हूँ। नहीं, मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ और इरेज कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे कि जब आपने इसे क्रिएट किया है, नहीं एक मैं नया बनाकर दिखा देता हूँ आपको। आर ई सी रिक्टेंगल लिया हमने एग्जाम्पल के तौर पे, और हमने यहाँ पे आकर रिक्टेंगुलर एरे सिलेक्ट करके मैंने इसे रिक्टेंगुलर एरे क्रिएट कर लिया है। ठीक है, ये क्रिएट करने के बाद आपने इन सभी चीजों को देख लिया। अभी यहाँ पे आता है एसओ सी एट इफ, तो मैंने इसे चेक मतलब एक्टिवेट रखा हूं और इसे क्लोज कर दे रहा हूं। और दूसरा रिक्टेंगल मैं क्रिएट कर रहा हूं। रिक्टेंगल लिया हमने, ठीक है, यू, और मैंने यहां से रिक्टेंगुलर एरे ले लिया, सिलेक्ट इंटर, और यहां पे मैंने एसोसिएटिव को चेक नहीं करा, मतलब डीएक्टिवेट करके रख रहा हूँ। क्लिक किया मैंने और ये बेस पॉइंट यानी कोई एक बेस पॉइंट लेकर आप कर सकते हैं, ये क्लोज कर दिया हमने। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है, आप जब यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो देखिए आप एरे के अंदर एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है, बहुत सारी चीजें जो भी आप एडिट करना चाहो। बट अगर आपने इस पे चेक किया है, ठीक है, तो ये एक सिंपल रिक्टेंगुलर दिख रहा है, रिक्टेंगल दिख रहा है, और इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। नंबर्स ऑफ रोज या फिर नंबर्स ऑफ कॉलम्स को आप बड़ा ज्यादा और कम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि इस रिक्टेंगुलर एरे को अगर मुझे इस तरीके से करना है अलग अलग पार्ट में तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें एक्सप्लोर करना होगा। ठीक है, आपको पता है एक्सप्लोर का शॉर्टकट कीज क्या है, एक्स एंटर, मैंने इसे सिलेक्ट किया और एक्स फॉर एक्सप्लोर, तो मैंने इसे एक्सप्लोर कर लिया। अभी क्वेश्चन ये है कि अगर इसे फिर से रिक्टेंगुलर एरे में जाना हो, इसे कन्वर्ट करना हो, तो कैसे करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है, आप वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, यानी हो ही नहीं पाएगा। क्लियर, तो अभी आपने रिक्टेंगुलर एरे प्रॉपर तरीके से समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मुझे उम्मीद है कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ओके चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट एक और देख लेता हूं मैं, क्या है, उसके बाद मैं पोलर एरे की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, अच्छा एक एक्सरसाइज दिया है इन्होंने, हाँ मैंने तो बताया था आपको। हाँ एक मिनट, आपकी एक्सरसाइज कहाँ पे है, ये देखिए हमारा ऑटो कैड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ठीक है, इसमें मोहित जी ने एक व्हाट्सएप पे मुझे भेजा है एक्सरसाइज कि सर आप इसे एक बार बता दो। ओके मोहित जी, मैं बता देता हूँ, शायद अगर आप ऑनलाइन अगर देख रहे होंगे तो आपकी चीजें कवर हो जाएंगी यहाँ पे, ये है। ठीक है, हम इस एक्सरसाइज को देखने वाले हैं, तो मैं इसे पहले कर लेता हूँ क्रॉप, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, हम इस एक्सरसाइज को देखने वाले हैं, तो मैं इसे थोड़ा मिनिमाइज यहाँ पे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, जिससे कि मैं बनाने के टाइम पे मुझे प्रॉब्लम ना हो और आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, ये है हमारा, इसे भी आप मैक्सिमाइज कर लीजिए यहाँ से यू। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो एक सर्कल दिया है। ठीक है, इस सर्कल का डायमीटर कितना है, 8। अगेन उसे कॉपी किया है और एक लाइन कमांड से यूज किया है। तो हम सबसे पहले हम इस पोर्शन को बनाएंगे, ठीक है, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, कॉपी रोटेट मिरर कमांड का यूज होगा। ठीक है, प्रैक्टिस थोड़ा आप करो मोहित जी, तो ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहले मुझे क्या करना है, एक सर्कल लेना है, यहां से आपने आगे ड्रॉप पैनल में अगर एक सर्कल ले लिया, डायमीटर सर्कल, डायमीटर कितना है हमारा, 8, एंटर किया हमने, जूम कर लीजिए इसे। ठीक है, इसे सेलेक्ट कीजिए, सी पी फॉर कॉपी, प्रेस कीजिए एंटर, और बिल्कुल इस पॉइंट से, यहाँ पे कॉर्डिनेट पॉइंट देख रहे हैं आप, इस कॉर्डिनेट पॉइंट से यू आप इसे अटैच कर लीजिए, स्कैप। अगेन मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है 9.6 की, तो मैंने यहाँ पे आकर एक लाइन लिया 9.66, एंटर, और यहाँ पे आने के बाद आपको ऑर्थो ऑफ कर लेना है, जो कि F8 की से प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे आपको टेंजेंट कमांड मिलेगा, टेंजेंट, अगर ये चीजें यहाँ पे आपको नहीं दिख रही है तो आपको आ जाना है नीचे की तरफ, ये देखिए आपको 2D स्नैप दिख रहा है, ड्रॉप डाउन में क्लिक करना है और यहां से आपको टेंजेंट ऑन कर लेना है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी ऑन कर लीजिएगा, उसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, टेंजेंट ऑन कर लेना है और यहाँ पे आना है, और मुझे टेंजेंट एक्टिवेट कर लिया हमने। अगेन मुझे इस कट को दिखाने के लिए L4 लाइन लेनी है और इस पॉइंट से यहाँ पे आना है टेंजेंट पॉइंट, सॉरी प्रीपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ले लेंगे आप और क्लिक करेंगे।
ये दोनों चीजें होने के बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है और मिरर कर लेना है। MI शॉर्टकट की है मिरर, और बिल्कुल इस पॉइंट से क्लिक करके ऑर्थो ऑन कर लीजिए आप इफेक्ट से, और यूं क्लिक कर लेना है और नो। ठीक है, बाकी कुछ भी काम बचा नहीं है इसके अंदर। TR डबल इंटर कीजिए ट्रिम, और यहां पे आइए इसे क्लिक करके आप ट्रिम कर लीजिए, और ये भी पॉइंट। बाकी जो पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसे आप इसे इरेज कर लीजिए। अब इसके कुछ कॉपीज कर लेते हैं हम, जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट किया CP कॉपी, और हमने U कुछ कॉपी कर लिए, इसके दो तीन कॉपी कर लीजिए आप, जो कि यूज होगा आगे की तरफ। ठीक है, ये होने के बाद मैं इसे यू कर लेता हूं। अभी आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप सिर्फ एक लाइन देख रहे हैं 60 की, बाकी कुछ भी चीजें यहाँ पे नहीं है। तो अब यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, और एक लाइन क्रिएट कर लीजिए L4 लाइन। कितने की लाइन क्रिएट करनी है, 60 की लाइन है, तो हमें यहाँ पे 6060 की लाइन क्रिएट कर लीजिए आप। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि इस चीज को, ये हमने बनाया है, इसे मूव करना है इस पॉइंट पे लाकर, यानी कि लाइन के मिड पॉइंट पे। ठीक है, तो आपने इसे सेलेक्ट किया, सबसे पहले कीजिए रोटेट, RO4 रोटेट एंटर, और बिल्कुल इस पॉइंट पे क्लिक करके, ठीक है, 90 एंगल पे, कितने एंगल पे, 90 एंगल पे यहाँ पे आप रोटेट कर लीजिए। सेलेक्ट किया हमने इसे, M4 मूव, और बिल्कुल इस पॉइंट से इस लाइन का जो भी पॉइंट है यहाँ पे मिड पॉइंट, और तो ऑफ कीजिए दिखेगा आपको, ठीक है, ये हमारे पास है कर्सर पे, और यहाँ पे आइए मिड पॉइंट पे क्लिक किया आपने। अगेन इसे सिलेक्ट कीजिए और MI फॉर मिरर एंटर, और बिल्कुल इस क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट पे आकर, या फिर आप शॉर्टकट ऑर्थो ऑन कर लीजिए यू और नो। अगेन आपने इसे सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट किया हमने MI फॉर मिरर, और इस पॉइंट से बिल्कुल स्ट्रेट क्लिक कीजिए नो। अगेन हमने इसे सिलेक्ट कर लेना है, और अभी जो यूज करना है मुझे वो है रोटेट, RO4 रोटेट। यहाँ पे देखिए, मैं जरा इसे शो कर दूं, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, रोटेट यहाँ पे मैंने क्लिक किया बिल्कुल, और अपर साइड की तरफ आना है। ऊपर की तरफ आने से पहले आपको नीचे की तरफ दिखेगा कॉपी कमांड, तो कॉपी पे क्लिक करिए आप, या फिर C फॉर कॉपी एंटर, और यू अपर साइड की तरफ आकर क्लिक कर लीजिए। ये चीजें हो गई। अब यहां से सिलेक्शन मेथड से सिलेक्शन कीजिए इसकी, और क्या करना है, कॉपी, CP फॉर कॉपी एंटर, बिल्कुल इस क्वाड्रेंट पॉइंट से इस क्वाड्रेंट पॉइंट तक, एक, और ये हो गया हमारा 2, क्लियर। और यहां से आकर आप स्कैप कर लीजिए, इसकी जरूरत हमें नहीं है, तो मैं इसे कर देता हूं इरेज फिलहाल। ठीक है, अभी आपको ये चीजें अपोजिट साइड में दिख रही है, यहां पे देख रहे हैं आप, यहां पे दिख रही है आपको ये चीजें। तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहां पे यू सिलेक्ट कर लीजिए आप इसे, ठीक है, और इसे भी सिलेक्ट कीजिए MI फॉर मिरर, और बिल्कुल आपको आना है इसके मिड पॉइंट पे, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, और यहां पे अपर साइड की तरफ आइए, क्लिक कीजिए और नो, क्रिएट हो गया है L4 लाइन, और इस एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट ऐड कर लीजिए। अगेन आप एक लाइन लीजिए L4 लाइन, और यहां पे है क्वाड्रेंट पॉइंट टू एंड पॉइंट, परपेंडिकुलर मिलेगा वहां पे आप क्लिक कर लेना है। अभी हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल सॉरी हार्ट को आप रोटेट कीजिए बिल्कुल अपोजिट यू 180 पे, और इसे सिलेक्ट कीजिए यहां से आप M4 मूव, और बिल्कुल यहां से पॉइंट पे क्लिक कीजिए, और यहां पे लाकर आप रख दीजिए, क्लियर है। अब इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए आप, या फिर इसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, पहले आप एक लाइन ले लीजिए और इस लाइन को यहां से आप कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, EX डबल इंटर, और इस लाइन को आप क्या करना है, एक्सटेंड कर लीजिए आप, देखिए एक्सटेंड हो गया। अब इसे आप सिलेक्ट कीजिए, मिरर कमांड का ही यूज है, कॉपी मिरर और मिरर कमांड लिया हमने, और बिल्कुल इस पॉइंट से यू, ओके। अभी मैं इसे सिलेक्शन ले लेता हूं, सिलेक्ट कर लिया हमने, इसे सिलेक्ट किया, ठीक है, और फिर इसे सिलेक्ट किया, करने के बाद आपको क्या करना है, कॉपी, CO फॉर कॉपी कमांड, और इस बिल्कुल क्वाड्रेंट पॉइंट से, ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट पे, फिर अगेन आ जाइए इस क्वाड्रेंट के ऊपर, देन अगेन आपको यहां पे आना है इस क्वाड्रेंट पे, और स्कैप कर लीजिए आप। तो देखिए आपने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली है, ओके, देख रहे हैं आप।
चलिए, जिस भाई ने पूछा था मुझे उम्मीद है कि उनका डाउट्स क्लियर हो गया होगा। आप भी और भी जो एक्सरसाइजेज हैं आप उसे करो, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे एक्सरसाइज है यहाँ पे, इन सारे एक्सरसाइज को करो आप, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो पूछो, अब मैं हूं बताने के लिए, ठीक है। डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि सीखना है ना हमें, ट्यूटोरियल तो पढ़ नहीं रहे, क्लासेस ले रहे हैं हम, तो हमें सीखना है, तो कैसे करेंगे वो चीजें हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ, इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, चलिए मैं इसे साइड कर देता हूँ। नेक्स्ट बढ़ते हैं एरे कमांड के पाथ एरे पे, उसके बाद हम पोलर एरे देखेंगे। इसके लिए मैं कुछ चीजें क्रिएट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहां से लाइन कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, कुछ इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, कोई भी एक ज्योमेट्री, और मैंने एक पॉलीलाइन से लिया है यू, ले लिया हमने। अभी हमें देखना ये है कि ये जो है हमारा ज्वाइन, मतलब इंटिटीज तो दिख रही है कि कनेक्टेड है और ज्वाइन भी है साथ में ये, और ये कनेक्ट है बट ज्वाइन नहीं है, है ना। मैं यहां से एक और लाइन ले लू, ठीक है, एक जैसा है, बिल्कुल देखने में एक जैसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं पाथ, ये हमारा पाथ होगा। आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लो, या फिर मैं एक रेक्टेंगल ही ले लेता हूँ, आर ई सी फॉर रेक्टेंगल, सिलेक्ट कर लिया हमने इसे, मूव कर लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे। अभी मैं यूज करने वाला हूँ पाथ एरे, आप चाहो तो इसे ही कॉपी कर लो, सी पी कॉपी करके यहाँ पर देख लेते हैं, जिससे कि वो प्रॉब्लम ना है समझने में हमें। तो मैंने इसे क्या करना है, अभी एरे कमांड लेना है, ए आर शॉर्टकट की है, प्रेस कीजिए एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए एंटर। अभी क्या लेना है मुझे, पाथ एरे, तो मैंने पाथ पे क्लिक किया, ये यहाँ पे देखिए, आप नीचे भी देखेंगे तो पाथ दिख रहा है हमें, यहाँ पे शॉर्टकट की है पी ए फॉर पाथ, और यहाँ पे आकर यू इसे सिलेक्ट कीजिए, तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से शो हो रहा है, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, क्लियर। अब इसमें कुछ चीजें आपको समझना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये चीजें हमारी ज्वाइन नहीं है और ये हमारा ज्वाइन है। अगर मैं इसी चीज को इस पाथ पे अगर मैं शो करूं तो ये कुछ अलग टाइप पे दिखेगा, जैसे कि ए आर फॉर एरे कमांड, प्रेस किया एंटर, सिलेक्ट किया हमने इस ऑब्जेक्ट को, प्रेस किया एंटर पाथ, और हमने इस तरीके से ले लिया कुछ। तो जब इस तरीके से लेंगे हम तो ये ऑब्जेक्ट हमें कुछ इस तरीके से जाता दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिटवीन है, यानी बीच का गैप 10 दे रखा है, अगर आप यहाँ पे चाहें तो 20 कर सकते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। और आप इतना समझ लीजिए, बाकी मैं आपको दूसरी चीजें बताता हूँ। मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कर देता हूँ इरेज, और मैं यहाँ पे एक अर्थ कमांड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, अर्थ थ्री पॉइंट, फर्स्ट और तो ऑफ किया हमने, सेकेंड और कुछ इस तरीके से थर्ड ले लिया हमने। अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ एक सर्कल, मैंने यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट किया कुछ इस तरीके से। अभी इस सर्कल को मुझे इस पाथ के अकॉर्डिंग मुझे एरे करना है, तो मैंने क्या करना है, आर ए सॉरी ए आर फॉर एरे कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, क्या करना है मुझे, पाथ, पाथ पे सिलेक्ट किया हमने और इस पाथ को पिक क्लिक कर लिया हमने। तो ये चीजें देख रहे हैं आप, ये तो पाथ तो हो गई है, बट यहाँ पे जो है आइटम जो है एक्टिवेट नहीं है, बिटवीन एक्टिवेट दिख रहा है। आप यहाँ पे जो भी बिटवीन डालना चाहो आप डाल सकते हो, जैसे कि मैंने डाला यहाँ पे 4040, तो यहाँ पे वो चीजें दिख रही हैं। तो ये जो चीजें, ये एरे जो हुआ है वो हमारा मेजर, आपने याद है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था मेजर और डिवाइड, तो ये मेजर के थ्रू कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मेजर कर रहा है 40, और दूसरे ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कॉपी कर दे रहा है। अगेन बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पे भी और इस साइड भी, इन सभी चीजों को ये कॉपी करके यहाँ पे लग दे रहा है। अगर आपको डिवाइड करना है, मतलब प्रॉपर बीच डिस्टेंस पे डिवाइड करना है, तो आपको यहाँ पे आना है आगे की तरफ, मेजर की जगह पे डिवाइड कमांड, डिवाइड पे क्लिक कर लेना है। तो ये देखिए आप, ये डिवाइड हो गया, नंबर ऑफ आइटम कितने पार्ट में से डिवाइड करना है, नंबर ऑफ आइटम 6 दे रखा है, यहाँ पे आप 8 भी प्रेस कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे 10 भी दे सकते हैं, ओके। तो ये चीजें हैं जो क्लियर हो जाएगा,
ठीक है, और मैं इसे क्लोज कर देता हूं। क्लियर? यहां पे कोई डाउट है क्या आपको? नहीं ना? तो ये चीज है मेजर और डिवाइड, राइट? ठीक है, इस तरीके से हम लोग एरे कर लेंगे। अगर मैं एरे की बात करूं तो मैं एक एक्सरसाइज देख लेते हैं एरे कमांड के ऊपर। ये तो बहुत कम जगहों पे यूज होंगी आपकी, 3D में ज्यादा यूज होता है इसका। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं पोलर एरे कमांड। यहाँ पे एक चीज और एक्सप्लेन कर दूं आपको। इसे सेलेक्ट किया हमने सभी को, और इसके अंदर मैंने इसे डिसलेक्ट किया और इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। एल फॉर लाइन, मैंने यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, एरे, ए आर फॉर एरे कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, पोलर सॉरी पाथ एरे, और इस ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया। तो ये आप देख रहे हैं कि जो एरे जो क्रिएट हो रहा है वो बिल्कुल एक डायरेक्शन में हो रहा है जो कि अलाइन है ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर आप यहाँ पे अलाइन कमांड को क्लिक करते हैं तो आप क्या देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल कॉपी हो रहा है एक प्रॉपर पॉइंट से, बिल्कुल ऐसा ही। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, बहुत सारी जगहों पर यूज होगा अलाइन और विदाउट अलाइन का। ठीक है, और आपने ये देखा मेजरमेंट, बेस पॉइंट आपको पता है, एसोसिएटिव भी मैंने आपको बताया। एसोसिएटिव आप यहाँ पे रखेंगे और इंटर करेंगे तो ये एक साथ दिखेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से एसोसिएटिव अगर वहां पे आप रखा था आपने, अगर हटा देंगे तो ये चीजें पार्ट पार्ट में दिखेगी। ठीक है, तो चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं, एक सर्कल लेते हैं हम पोलर एरे कमांड पे। मैंने सर्कल क्रिएट किया, फॉर एग्जाम्पल 100 रेडियस की एक सर्कल है। सर्कल लेने के बाद मैंने यहाँ पे एक और सर्कल क्रिएट कर रहा हूं। कहाँ पे? यहाँ पे मैं एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूं। इस सर्कल में हम क्या देखते हैं कि कोई भी एक छोटा सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। इस सर्कल को मुझे इस सर्कल के ऊपर क्या करना है, एरे करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, इसके लिए आपको करना है ए आर फॉर शॉर्टकट कमांड, एरे कमांड लिया हमने। बिल्कुल इस सर्कल को सिलेक्ट कीजिए, प्रेस कीजिए एंटर। क्या लेना है मुझे, पोलर एरे। तो अभी यहां पे क्या कर रहा है, एक पॉइंट पूछ रहा है, बेस पॉइंट, सेंटर पॉइंट क्या है इसका। तो हम इसका सेंटर पॉइंट यहां से क्लिक कर लेंगे। जब आप यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आप नंबर ऑफ आइटम 6 दिख रहा है, तो आप यहाँ पे डाल दीजिए नंबर ऑफ आइटम 15। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखिए बिटवीन बीच की डिस्टेंस दिख गई है आपको। आप यहाँ पे अगर चेंजेस करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से चेंजेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे एंगल जो है वो प्रॉपर नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे एंगल फिल करूं तो ये एक मेजर ले ले रहा है वो अपने हिसाब से। ठीक है, अगर आपको हाफ सर्कल में करना है तो आप यहां से 360 की जगह पे 180 प्रेस कर लीजिए, तो ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। अगर आपको इसको नीचे की साइड दिखाना है तो यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज कर लीजिए तो ये चीजें नीचे की तरफ आएंगी। ठीक है, अगर आपको ये चीजें कुछ इस तरीके से दिखाना है अपोजिट साइड में, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो सर्कल यहाँ पे क्रिएट किया था उस सर्कल को आप यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। तो आप इसे बना सकते हैं, ये बेस पॉइंट है जो कि हमने पहले ही सिलेक्ट कर रखा है। और ये आप अगर आगे की तरफ बात करें हम रोज की, तो आप टू यहाँ पर अगर प्रेस कर रहे हैं तो अगेन ऊपर की तरफ एक रो बनता देख रहे हैं आप। टू की जगह पे अगर मैं 3 कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये चीजें देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं। ठीक है, बिटवीन आपको पता है जो कि लास्ट में बताया आपको, तो वो सारी चीजें हैं। लेवल्स मैंने आपको बता दिया है, फिर से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है ये। क्लोज कर लीजिए आप कंट्रोल ए और डिलीट कर दीजिए। तो आपने क्लियर हो गया अभी आपको ये तीनों एरे कमांड। ठीक है, अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको एक एक्सरसाइज भी दिखा दूं इसके ऊपर करके, ये एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर क्लियर होगा हमें। तो मैं इसे कुछ इस तरीके से ले लेता हूं। ठीक है, इसे क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे ये जो यूज किया गया है ना, पोलर एरे कमांड ही यूज किया गया है। ठीक है, पोलर एरे कमांड यूज करके हम इसे बनाए हैं, तो आप भी इसे बना लीजिए, बिल्कुल इजी है ये। इसे साइड में रख लेते हैं हम। सबसे पहले इसे एनालाइज कीजिए आप कि देखिए बाहर का सर्कल दिया है 36.5, देख रहे हैं आप। उसके बाद एक और सर्कल दे रखा है रेडियस 18 की। अगेन अंदर की बात करूं तो 10 रेडियस,
और 7 रेडियस। ये पहले तो आप इन चार रेडियस सर्कल को बना लीजिए। आप सी फॉर सर्कल रेडियस डालिए आप 36.5 एंटर। ये हमारा सबसे बड़ा वाला सर्कल है, यानी आप आउटर सर्कल बोल सकते हैं आप इसे। दूसरा आप सर्कल क्रिएट करना है रेडियस 18 की। देन अगेन थर्ड जो सर्कल है वो सर्कल हमें क्रिएट करना है यहां पे 10 रेडियस की। और उसके बाद में अगर बात करूं तो रेडियस हमें 7 रेडियस की। क्लियर। ये होने के बाद अभी आपको इस चीज को क्रिएट करना है, इसे यहां पे देखिए आप, है ना, इस पार्ट को हमें क्रिएट करना है। तो यहां पे दे रखा है ये 30 एंगल। अगर मैं ओरिजिन से बात करूं यहां से, तो ये हमारा हाफ हो जाएगा, यानी कि 15 एंगल, ठीक है। और ये रेडियस जो है हमारा 18 है, तो हमारा लाइन का डिस्टेंस भी 18 होगा, ठीक है। तो आप क्रिएट कीजिए एल फॉर लाइन, बिल्कुल इस पॉइंट से लीजिए आप। लाइन है हमारा 18 का, एंगल के लिए टैब ले लीजिए आप, कितना एंगल क्या है 1515। क्रिएट हो गया। अब आपको इसे यहां पे क्वाड्रेंट पे आ जाना है। अब एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है आप उसे ट्रिम कर लीजिए, यहां से ट्रिम, और इसे भी ट्रिम कर लीजिए। ओके, दोनों को सिलेक्ट कीजिए आप, एम आई फॉर मिरर, और इस पॉइंट पे आना है, बिल्कुल क्वाड्रेंट पॉइंट पे, ठीक है। ऑर्थो ऑन कर लीजिए आप एफेक्ट के थ्रू, और यू क्लिक कीजिए और नो। तो देखिए आप, ये क्रिएट हो रहा है। टी आर डबल इंटर, ट्रिम कर लीजिए इसे। अभी आप समझ रहे होंगे कि आपको जो छोटे छोटे आपको कमांड्स बताए गए हैं उसके यूज आगे फ्यूचर में कितना होने वाला है, ठीक है। आप इसे सेलेक्ट कीजिए अभी, और अभी हमने जो बताया आपको पोलर एरे कमांड, तो ए आर फॉर एरे, पी ओ फॉर पोलर एरे, और बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे आइए और यहां पे क्लिक कर लीजिए। अगर मैं बात करूं नंबर्स ऑफ आइटम्स की, तो यहां पे आप चेक कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स ऑफ आइटम 8 है, तो यहां पे आप वैल्यू पेट कीजिए 8 और इंटर, ठीक है। तो ये चीजें आपकी क्रिएट हो गई है। ओके, चलिए, क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी आता है यहां पे, देख रहे हैं आप, ऑफसेट कमांड बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइन के बाद अगर किसी चीज का यूज होगा सिविल वालों के लिए, तो वो ऑफसेट कमांड का यूज है, ठीक है। जैसे कि मैंने एक लाइन क्रिएट किया, लाइन का मेजरमेंट मैंने यहां पे डाला 50, ठीक है। अभी मुझे इस लाइन के बिल्कुल बगल में ही मुझे एक लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है, जो कि 5 डिस्टेंस पे। तो आप क्या करेंगे, अगर आपको ऑफसेट कमांड नहीं आ रहा है, तो आप यहां पे आएंगे, ठीक है, और एक लाइन इसके ऊपर ही क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और एम फोर मूव कमांड लेंगे और इसे सिलेक्ट करेंगे, एक लाइन को एंटर करेंगे और राइट साइड की तरफ आकर 5 प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ऑफसेट कमांड लेंगे, जिससे कि बीच का डिस्टेंस मिलेगा आपको 5। लेकिन ऐसा नहीं करना है हमें, हमें ऑफसेट कमांड यूज करना है, जो कि यहां पे है। शॉर्टकट कमांड की बात करूं तो ओ फॉर ऑफसेट होता है, एंटर। अभी यहां पे डालना है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आपको डालना है, तो मैंने डाला 5, एंटर। और यहां पे आपको लाइन पे क्लिक करना है और राइट साइड, यू क्लिक किया और राइट साइड, क्लिक राइट साइड, ठीक है। अगर आपको लेफ्ट साइड की तरफ चाहिए, तो यहां पे क्लिक कीजिए और लेफ्ट साइड की तरफ। दूसरा मेथड है ओ फॉर ऑफसेट, ठीक है, इस लाइन पे आइए, क्लिक कीजिए, कितना डिस्टेंस चाहिए हमें, फॉर एग्जाम्पल 10, तो यू क्लिक किया हमने और 10, अगेन क्लिक किया, और ये अभी 10 डालने से पहले भी यहां पे आप डाल सकते हैं 25, एंटर। अगेन इंटर किया हमने, और ये इस पॉइंट से कितना, तो 30, तो यू आप 30 ले सकते हैं। ओके, अगर यहां से मैं बात करूं तो यू 30, अगर इससे बात करें हम तो यू 30। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होगा। अगर जैसे मैं एक एग्जाम्पल के बारे में बता दूं आपको, कि फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक प्लॉट एरिया है, ठीक है, आपको यहाँ पे वॉल की थिकनेस आप कुछ भी डाला, मैंने फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं, कि आपने यहां से चेक करूं जरा, ठीक है, मैंने 10 mm लिया, 10, और ये देखिए क्लिक करेंगे आप तो एक प्रॉपर वॉल की लेआउटिंग हो जाएगी, ठीक है।
तो इस तरीके से अगेन आप ऑफसेट ले लीजिए और देखिए यूं जितना आप अंदर की तरफ आएंगे उतना ये अंदर की तरफ क्रिएट होता दिखेगा। देख रहे हो आप, ये लास्ट है, इससे अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज है ऑफसेट, बिल्कुल ऐसा ही ये सर्कल पे भी काम करेगा। सी फॉर सर्कल ले लिया आपने, कुछ ऐसा एग्जाम्पल ऑफसेट लिया हमने, और यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लेता हूँ 5 और मैं यू, सॉरी ओ फॉर ऑफसेट 5 इंटर और मैंने यू, ठीक है। अगर मुझे लेना है 10 तो मैंने 10 ले लिया कुछ इस तरीके से। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप इसे क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, ये ऑफसेट कमांड है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है आपके प्रोजेक्ट पे, तो इसे आप जरा अच्छे से एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ भी सकते हैं, और एक्सरसाइज मैंने आपको दिया है, उस एक्सरसाइज को कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम मैं अभी एक लाइन कमांड ले लेता हूं, यू एक लाइन क्या है, ऑफसेट हो गया, ब्रेक एट पॉइंट। ब्रेक एट पॉइंट के लिए आपको कहां पे मिलेगा, ये मॉडिफाई पैनल को स्ट्रेच करेंगे तो नीचे की साइड यहां पे देखिए आप ब्रेक वह दिख रहा है, और ये ब्रेक एट पॉइंट। ब्रेक एट पॉइंट का मतलब क्या होता है, किसी भी लाइन को ये ब्रेक कर देता है, जैसे मैंने यहां सेलेक्ट किया और किसी एक पॉइंट पे इसने ब्रेक कर लेना है, क्लिक। तो ये देखिए आप, ये अलग अलग हो गए दो लाइन, पहले एक लाइन सिंगल लाइन थी, अभी अलग अलग लाइन हो गई है। अगर मैं इसे इरेज कर दूं और इसके ऊपर देखूं, अगर मैं, तो मैंने यहां से लिया ब्रेक बी आर शॉर्टकट की होता है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया हमने, ये ब्रेक टू पॉइंट है, ठीक है। आप एक पॉइंट को पहले देखिए, यहाँ पे ब्रेक लिया हमने, सिलेक्ट किया इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। अब ये पॉइंट बोल रहा है, आप जिस पॉइंट पे भी लेना चाहे उस पॉइंट पे ले सकते हैं आप, ठीक है। यहां से मैं अगर नियरेस्ट को ऑन कर लू, और मैंने यहाँ पे नियरेस्ट में से दे दिया, देखिए आप ये अलग पॉइंट हो गया और ये अलग, दो पॉइंट है। तो मैं अगर दोनों को ज्वाइन करना है तो जे इंटर जे फॉर ज्वाइन कर लीजिए, एक साथ आ जाएंगे। अभी है ब्रेक, ओनली ब्रेक, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रेक। इसमें क्या होता है, आपने बी आर शॉर्टकट की है इसका, सिलेक्ट किया आपने इसे, अब ये देखिए दो एक ब्रेक होता दिख रहा है, इस पॉइंट से आगे की तरफ ब्रेक होता दिख रहा है। अभी आपका क्वेश्चन ये है कि आपको किसी प्रॉपर इस पॉइंट से ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे, कंट्रोल जेड किया हमने, मॉडिफाई में आ गए, यहाँ पे मिलेगा ब्रेक और हमने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की तरफ फर्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, या फिर प्रेस करेंगे एफ एंटर, तो आप एक कोई पॉइंट से आप प्रॉपर एक दूसरी पॉइंट ले सकते हैं, आप इस तरीके से आप इसे ब्रेक कर सकते हैं। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब बहुत जल्द हम चलने वाले हैं फ्लोर प्लान कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। सिर्फ अब हम इन दो चीजों को देखेंगे, इन दोनों चीजों को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, फिर हम चलेंगे डायरेक्ट अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर किसी भी तरीके का दिक्कत आ रहा है ना आपको एक्सरसाइज करने में, तो आप बिंदास होकर मेरे नंबर पे, नीचे जो दिख रहा है आपका नंबर, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या फिर आपको फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो पेट ट्रेनिंग के लिए भी मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, वीडियोज को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।